हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। जैसे कि हालांकि आपने देखा होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़पेपर में ये चीज़ चली हुई है कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्र राजपक्षे, जो कि अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर चुके हैं। लोगों का गुस्सा इतना अधिक है उनके प्रति कि उनका घर जला डाला है, और उनके बाकी जो नेता हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको भी घरों को जला दिया गया है। यहाँ तक कि जो श्रीलंका के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी शिफ्ट किया गया है अनक्लोज लोकेशन पे, क्योंकि अगर हम सड़कों पर देखते हैं तो बहुत ज्यादा वायलेंस है। और कई देशों का मानना है कि जो श्रीलंका धीरे धीरे अपने गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। रिसेंटली जो श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व है वह $50 मिलियन से भी कम हो गई थी। अगर हम देखें कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने बुरे से बुरे हालत में भी 8 से 10 बिलियन के आसपास अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन कर लेता है। 50 मिलियन में अगर आपको 2 से 2.5 करोड़ लोगों को चलाना होगा तो यह कई हद तक यह पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उस देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि श्रीलंका ने अपने कर्जों का भी इंटरेस्ट देना बंद कर दिया है। कई कर्जों पर तो श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है और उनकी करेंसी भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं कि यह स्थिति कहाँ तक जाके रुकेगी? अपनी राय को कमेंट पे दे सकते हैं। धन्यवाद।